सिंधुवाड़ी पूज्य पंचायत झूलेलाल कॉलोनी के पास भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव के संसदीय कोष से 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर कम्युनिटी हॉल सिंधुवाड़ी के पास नाले को कवर करने के कार्य का शिलान्यास किया गया। दक्षिण विधायिका अनीता बधेल और आर्य मंडल पदाधिकारियों के बीच एक सादे समारोह के दौरान पूजा अर्चना कर नाले का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर बधेल ने कॉलोनी वासियों को इलाके के संपूर्ण विकास का आश्वासन दिया। तीसरी बात, महाराज साई अशोक जी विराजमान है, जब मैं पहली बार पार्षद बना शेख मुंडे से तब से लेकर के आज इसके बाद गए, परंतु मैं अशोक जी से कहूंगा कि आपकी पानी की जो समस्या है, गंदे पानी की पाइपलाइन को लेकर मैं विधायक मुंडे से आग्रह करूंगा कि जो गंदा पानी यहाँ पे इस पाइपलाइन के माध्यम से आ रहा है, कृपया करके उसे भी दूर कराने की जल्द से जल्द आप करेंगे। स्मार्ट सिटी अजमेर स्मार्ट सिटी बने, उसकी सुविधाओं को भी हम उनका लुत्फ उठाएंगे। ऐसी व्यवस्था हमारे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। उन्होंने जोर जोर से आप सब लोगों को निवेदन किया था, जनता जो कुछ चुनाव अपने विकास करो, जो विकास का काम पूरा हो। उस समय भाषण में उन्होंने अपनी बात को कहते हुए अनेक बार यहाँ पर तक कमरे में आती है तो ये कहते हैं कि मैं आपकी न्याणी हूँ, सब लोगों को ये कहती है, तो न्याणी होने के नाते से जैसे न्याणी होती है दोनों को उनको ताकती है, पीएम को भी ताकती है, ससुराल को भी ताकती है, उसमें भी अपना नाम करती है। राज्यसभा से हमारे सांसद माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव द्वारा दी गई है और एक बहुत बड़ी राशि लगभग 35 लाख रुपए की राशि इस निर्माण कार्य में लगने वाली है जो उनके द्वारा स्वीकृत हुई है। इस निर्माण से यहाँ के लोगों को जो बहुत बड़ी परेशानी थी, मकानों में सीलन आने की परेशानी, बदबू आने की परेशानी और इसके साथ ही कच्चा नाला होने से सुअरों की परेशानी भी यहाँ लोगों को बहुत थी। पक्का निर्माण कार्य हो जाने से एक तो पानी की निकासी सुव्यवस्थित हो पाएगी, दूसरा हम सफाई का कार्य भी समय समय पर इस पर करा पाएंगे। वहीं विधायक अनीता बधेल के विधायक कोष से स्वीकृत 21 लाख रुपए की लागत से राजा कोठी स्कूल में 3 कक्षा कक्षों के साथ बाउंड्री वॉल के निर्माण का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन की ओर से विधायिका बधेल का माला और चुनरी उठाकर स्वागत किया गया। बधेल ने बताया कि इस विद्यालय में 3 कमरे रमसा की ओर से बनाए जाएंगे, इसके अलावा 2 कक्ष सांसद सांवरलाल जाट के सांसद कोष से बनवाए जाएंगे। विद्यालय की 4 दीवारें भी नगर निगम की ओर से जल्द ही बनवाई जाएगी। इस तरह इस विद्यालय में लगभग 1 करोड़ के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। बधेल ने कहा कि उनका सपना है कि यह विद्यालय का आदर्श बालिका विद्यालय के रूप में जाना जाए। 5 कक्षा कक्ष जिसमें 3 कक्षा कक्ष रमसा से और 2 कक्षा कक्ष 10 लाख रुपए की लागत से माननीय सांवरलाल जी के कोष से यहाँ प्रारंभ होने वाले हैं। इसके साथ ही इस पूरे विद्यालय परिसर की बाउंड्री वॉल का काम भी 29 लाख रुपए की लागत से नगर परिषद के माध्यम से होने जा रहा है। तो इस तरह से ये एक लगभग 1 करोड़ के समथिंग का ये विकास कार्य यहाँ होगा। तो इस विद्यालय की पूरा नक्शा हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बालिकाएं यहाँ विद्यालय में आती हैं, आसपास की क्षेत्र की काफी बालिकाएं इस विद्यालय में इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि बैठने के स्थान नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तभी खुल सकते हैं जब कक्षा कक्षों की पर्याप्त व्यवस्था हो। तो आने वाले वर्षों में सभी प्रकार के विषयों के साथ में ये एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक अच्छा आदर्श विद्यालय यहाँ पर बनेगा, इसकी हमारी कोशिश। प्रधानाचार्य शांति घेरवार ने विधायक और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पार्षद पवन बैरवा, दिनेश साखला सहित विद्यालय विकास समिति के सदस्य और क्षेत्र नागरिक मौजूद थे। Thank you.